हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये देखिए, ये है रोडू बाज़ार। यहाँ से आधा ही दिखता है। और ये देखिए, ये है रोड का बस स्टैंड। अब चलिए हम हॉस्पिटल की ओर चलते हैं। मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ मम्मी के साथ। उन्होंने अपना चेकअप करवाना है। ये देखिए, मम्मी मेरे साथ है। अभी यहाँ पे इतना रश नहीं है, थोड़े बहुत लोग आए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल ज़्यादा रश नहीं होता है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा होता है सबने। तो गाइस, मैं हॉस्पिटल से वापस आ चुकी हूँ। जो सिम का काम अधूरा था, वो आज पूरा करने वाली हूँ। तो इसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत थी। ये देखिए, बना के आ चुकी हूँ। अभी इसे BSNL ऑफिस में सबमिट करना है बस। तो अगर आपके पास किसी और की सिम है, उसको अपने नाम करवाने के लिए आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एफिडेविट बना लीजिएगा और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी भी साथ ले जाइएगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ। मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना था, तो खाली पेट चेकअप करवाना था उनका, तो मैंने भी खाना नहीं खाया। तो अभी आ गए हैं फ्री होके। तो अब जाके BSNL ऑफिस में चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये पहुँच गए हैं हम अपने BSNL ऑफिस। अभी हम अंदर जाएंगे, एफिडेविट सबमिट करेंगे और फिर अपना सिम ले लेंगे। जय गाइस, मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आ गई। बट जहाँ भी जाओ, हर बात पे 50-50 रुपये मांगते रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट दो, हाँ जी 50 रुपये दे दो। उसके बाद अगर अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आई थी यहाँ पे अपने कागज़ दिए थे, फिर बोलते हैं कि 50 रुपये दो। वो दे दिए, अब दोबारा दूसरा लेके आई, फिर बोलते और 50 रुपये दो। अब पता नहीं है लोग किस लिए मांगते हैं, ये तो मैं नहीं जानती। ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगते हैं। जब डॉक्यूमेंट देते हैं उस टाइम सबमिट करने पड़ते हैं 50 रुपीज़, या खुद के लिए मांगते हैं, आई डोंट नो। बहुत चोर बाजारी हो रही है, संभालना पड़ता है बहुत। पूरी सड़क खाली है, ये देखिए। इस टाइम यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। अच्छा होता ट्रैक और साथ ले आती, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना हो गया बस।